हिसाब से अपना निभाते हैं। देखिए छठ के लिए तैयारी हो रहा है, खरीदारी जो छठ 19 को है और 20 को भोर में होकर के लास्ट अर्घ दे चुकी है। बोरा मेरा पता चल रहा है आज कितना हो गया, आज 18 तारीख है तो छठ के लिए तैयारी हो रहा है, सब खरीदारी हो रहा है, प्री छठ जैसे बोला गया। यहाँ हीरापुर हटिया का नज़ारा है, इतना भीड़ है। उन्नीस को छठ है तो जो कि शाम को होने वाले हैं और 20 को लास्ट सूर्य भगवान को अर्घ दे करके ख़त्म हो। हीरापुर हटिया का क्षेत्र है जो कि रोड के किनारे ही बैठा हुआ है। आपका 10 दिन हो गया भैया।
के लिए तैयारी जो हो रहा है अगस्त को लिए कल मैंने पहला मैंने काम और मैंने अंतिम छठ ये जो होता है पारण पालन पारण के दिन सोमवार को पारण के दिन मतलब 20 तक अच्छा तो आज क्या होगा लोहंडा लोहंडा तो आज लोहंडा में क्या खाया जाता है प्रसादी क्या प्रसादी खीर खीर रहता है और वही सब रहता है तो मेनली जो होता है खीर दाल भात भी होता है शाम के समय शाम के समय खीर उसी समय खीर चलता है शाम के समय खीर भी चलता है कहीं कहीं दाल भात भी बनता है। आप कहाँ से आए? हम आए डुआ डाल से। कहाँ से? डुआ डाल बरमसिया। डुआ डाल तो किता देखिए डुआ डाल से आए हुए किताड़ी जो कि छठ में लगता है सब किताड़ी और ये हीरापुर क्षेत्र में। हाँ हीरापुर क्षेत्र ये हीरापुर घाटी आता है जो कि रोड किनारे आज तक आज नहीं कल तक अच्छा कल तक इनका कहना है कि कल तक इसे बिक्री होने वाला है और पास में ही बैठा हुआ देखिए ये मिट्टी का ये है ठीक है वहाँ भी केतरी लगा हुआ है चारों तरफ केतरी है देखिए तो छठ मैंने अंतिम अर्घ सोमवार को मतलब सूर्य उगने के बाद होता है सूर्य उगने के बाद मतलब करीब करीब वो 7 साल खत्म होती है ना तो आपका क्या नाम नाम हुआ? मेरा नाम है टुन्नू पंडित है इन्होंने धुआं टार से आया हुआ है तो थोड़ा सा बैठे हुए आई तो हम भी थोड़ा सा झुके हुए बात कर रहे हैं तो ये हर साल आते हैं पहला साल ये पहली बार आया हुआ है यहाँ पे तो ठीक है चलो भाई हम आते हैं ठीक इस गली में लेडीज़ गारमेंट्स का दुकान है जो कि राधा जी के पास है तो जा रहे अंदर राधा घी में घी यहाँ पे बेचा जाता है जो कि बहुत ही क्लियर मैंने बहुत सुंदर और उस ये भीड़ देखिए श्रद्धालु जो छठ करते हैं यहाँ बैठते हैं अपना छठ पूजा के लिए ये चारों तरफ से एक घेराबंदी करके सब अपना अपना जगह दखल करके रखते हैं कि जो अपना बैठने वाले हैं वही आप लोगों को दिखा रहे हैं यहाँ पे जो कि वीडियो जो कि सवेरे का ये वीडियो है और छठ जो शुरू होता है वही 3 बजे से सब आना शुरू कर देते हैं यहाँ पे वो भी आप लोगों को दिखाएंगे लेकिन ये सवेरे का नज़ारा है जो कि यहाँ पे लाइट भी लगाया जा रहा है और जितना सर आप लोग को दिखा रहे हैं ये किनारे किनारे दिखा रहे हैं जो इस ये किनारे में ही बैठते हैं छठ के लिए और यही उसका मेन मुख्य द्वार है जो कि वहाँ से आने के लिए ये जो मुख्य द्वार जो है जो कि यहाँ से निकल करके DS सीधे चल गया है आपका मुख्य द्वार पर और आगे चल करके बाएं तरफ DS कॉलोनी होते हुए पूरा की तरफ जाने का रास्ता है और ये जो छठ के लिए तैयारी चल रहा है बैरिकेड जो है प्रशासन के माध्यम से लगाया गया है क्योंकि इस तरफ जाने के लिए खतरा है और 3 बजे साढ़े 3 के आसपास ही होगा देखिए ये मुख्य द्वार है जो कि यहाँ से आने के लिए रास्ता मेन गेट जो है रामपुर तलाव का यहाँ से निकल करके ये जो दिखाई दे रहा है DS कॉलोनी होते हुए हीरापुर तरफ चल गया ठीक है और इसके बाद इसके अपोजिट ये DS कॉलोनी रोड है इसके अपोजिट ये देखिए ये चल गया गेट देखिए टूअर्स रेल गेट है जो कि यहाँ पे शनि मंदिर भी है और इधर जो चल गया रोड ये रोड चल गया है लोको कॉलोनी
ये है उसका मेन। देखिए छठ के लिए ये सब अपना जो रंगोली बना कर रखे हैं, जो कि यहाँ पे जो किए जाते हैं, जिनके पास घर में होता है तो रंगोली बनाते हैं, जो जैसे मन से वो अपना बनाते हैं। देखिए रंगोली बना रही बच्ची, ठीक है, और जो छठ किए हुए हैं वो वहाँ बैठे हुए हैं, तो उनसे जान रहे हैं कि छठ कैसे विधान से बनाए किए जाते हैं, कैसे विधान से किए जाते हैं बारे में हम जानेंगे इनसे। हाँ थोड़ा सा बोलिए भाभी जी। देखिए ये इन्होंने छठ का व्रत रखे हैं, जो कि आज ही छठ का पहला अर्घ है, और इनसे थोड़ा कुछ जानकारी लेना चाहते हैं कि छठ क्यों किए जाते हैं और किस विधान से किए जाते हैं और उसमें छठ के लिए क्या क्या डाली में दिए जाते हैं, इस बार पूछेंगे। हाँ भाभी जी, तो आप कब से बना रही है छठ, कितने साल से? 4 साल से कर रहे हैं। अच्छा, हम इसलिए छठ करते हैं, मेरा घर द्वार जो है आनंद हो, है ना, छठ करने से सब कुछ मिलता है। अच्छा अच्छा, सब कुछ। अच्छा, क्या किस विधान से आप इसको? बहुत साफ सफाई से होता है। अच्छा, 4 दिन जिस दिन होता है, 5 दिन में खीर बनाया जाता है, खरना होता है। खरना का काल पिछला काल जो 18 जो कि आज कौन सा दिन हो गया? आज एतवार हो गया। आज छठ है। आज छठ है। आज हम लोग तालाब पर जा रहे हैं, अर्घ देंगे, अर्घ देके उनसे मांगेंगे, जो मांगेंगे सब मिलेगा। अच्छा, मतलब सूर्य भगवान को पहला अर्घ अभी दीजिए, जो कि अभी निकालने वाले हैं आप लोग, ठीक है? तो ठीक है, आप इसमें नारियल, अनारसा, केला, आपको हर फल इसमें चढ़ा। अच्छा अच्छा, मैं जो जिसका जैसा सामर्थ है उस हिसाब से अपना चढ़ा है ना, तो फूल लेके और पान लेके भी बोल लगता। अच्छा अच्छा, जिसका है सब फल चढ़ा। हाँ, तो थोड़ा सा हम बोलना चाहते हैं कि ये भाई साहब है जो कि इनके वाइफ है, तो हमको थोड़ा सा इनका थोड़ा सा बोलना थोड़ा सा ये हो गया है, जब हम सोच रहे थे कल छठ है लेकिन आज पहला अर्घ है, 19 तारीख है, 20 को सवेरे भोर में जो सूर्य उगता है उसके उसी समय जो कि पहला जो अर्घ दे करके दूसरा अर्घ जो दिया था फाइनल मैंने शेष वाला अर्घ वो हो करके छठ समाप्त हो जाते हैं। तो हम सोचे थे कि जैसे आयोजन किए जाते हैं, जैसे ठकुआ हो गया, डाली सजाता है, सजाए जाते हैं, तो वो सब बनाया गया है जो अब निकालने वाले हैं, तो अब अभी तो देखते हैं कि क्या उसको जो निकालने वाले हैं वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो कृष्णा जी आपको कुछ बोलना है? ना वही बोलेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, अब इनका कहना है कि जो अपना छठ माँ के व्रत रखे इन्होंने ही बोले, और क्या कुछ बोलना है? आप जो छठ किए हैं कितने साल से कर रहे हैं? 5 साल से, 7 साल से, 4 साल से छठ कर रहे हैं। तो 4 साल से जो छठ कर रहे हैं तो इसमें आपको मेरा ख्याल से जरूर कुछ फ़ायदा हुआ होगा, लेकिन क्या कि हम मेरा विश्वास है, क्योंकि बहुतों को देखें, मेरा फ्रेंड सर्कल भी देखे हैं कि जो छठ करते हैं उन लोगों को बहुत अच्छा से नौकरी भी मिल गया, जैसा जो मन्नत मर के जो करते हैं उस हिसाब से मिल गया। तो लड़का हुआ, हाँ हाँ, है ना, किसी को शादी नहीं हो रहा, शादी हो रहा है। हाँ हाँ, किसी को धन दौलत नहीं, धन दौलत हो रहा है। तो आपको क्या फ़ायदा हुआ? मेरा मेरा देखिए घर परिवार सब सुखी है। अच्छा, आप यही मेहनत है? मेरा घर परिवार, मेरा बेटा को जिंदगी, बेटी को जिंदगी रहे, मेरा आदमी को जिंदगी रहे, बस यही हम मांगते हैं और कुछ नहीं। छठ मैया से कहते हैं बस हमको इतने ही। अच्छा, तो अभी आप लोग निकालने वाले हैं? मैं कितने बजे निकले? 3 बजे तक आप निकले? अभी निकलेंगे, तो ठीक है, अभी सभी तैयारी चल रहा है निकालने के लिए। अभी देखिए पहला अर्घ देने जा रहे हैं, यो तैयारी चल रहा है, माथे पर चला लिए हैं। अब यहीं से चल करके पंपू तालाब नाम से एक जगह है, जहाँ पर हमेशा हर साल छठ होता है। ये पंपू तालाब होता है, एक होता है मनाटर में, एक होता है और गोविंदपुर में, एक होता है, जो नज़दीक में जो जहाँ रहते हैं उसी के आसपास अपना छठ निभाते हैं। अब चल रहे हैं पंपू तालाब, जो कि रेलवे का है पंपू तालाब। अब चलने के लिए तैयारी हो गया है, पंपू तालाब हम लोग जा रहे हैं, तो वहीं जाके अपना सूर्य भगवान को पहला अर्घ दिए जाएंगे।
सामने रंगोली बना हुआ है ऐसे। यहीं से चल करके पंपू तला हम लोग जाएंगे जो कि शॉर्टकट होता है यहाँ पे। देखिए ये छठ के लिए सब जा रहे हैं जो पार्क दिए जाते हैं, सो अपना अपना जो जैसा सुविधा होता है लेके चलते हैं और वो पंपू तालाब जो कि एक पोखर टाइप का है वहीं ले जाते हैं। अब जो मेन जो छठ का व्रत रखे हैं वो अभी निकलेंगे और वे हैं बैठे हुए, अब निकलेंगे थोड़ा देर में, जो कि पहला जो उसका डाली जो है डाली ले गए हैं जो कि वहाँ तक, अब इन्होंने फास्टिंग किए हुए हैं एक साथ निकलेंगे। अभी सब तैयारी हो गया है, जो पहला डाली निकल गया है, अब ये जो जो दिए जाते हैं वो लेके निकल रहे हैं। पंपू तलब जा रहे हैं जो जटी यहाँ छठ होते हैं, रखे गंडी कट करके अपना जो पंपू तालाब जो लोको टैंक जो पोखर जो है वहीं तक जाएंगे। जैसा जैसा अपना ये रखते हैं व्रत रखते हैं उस हिसाब से अपना निभाते हैं। देखिए अच्छा कृष्ण जी नहीं तो रवर का है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये यदि आप ये प्रणाम करते हैं अगर इनको छू करके तो शरीर में कुछ कोई लेदर या चमड़ा का अंश नहीं होना चाहिए, और ऐसे अगर पहना हुआ रहता है कोई रवर वगैरह तो वो भी चल सकता है, छू का प्रणाम कर सकते हैं। ये अपना दंड काट करते हुए हम चलेंगे पोखर तक। हम थोड़ा सा प्रणाम कर लेते हैं, थोड़ा सा पैर छूकर प्रणाम करना वो जरूरी होता है जो कि बहुत ही अच्छे शुभ चीज़ है, जो कि मन्नतें मांगे हुए जो कि अपना फास्टिंग किए हुए और ऐसे करते हुए जाएंगे अपना पोखर पर। ये बुजुर्ग महिला जो दंड करते हुए जा रहे हैं ये छत के लिए, तो अपने जैसा व्यस्त है तो ऐसे करते हुए अपना लोको टैंक तक पहुँचेंगे जो पंपू तालाब बोलते हैं। जैसा जो अपना दस्त है उस हिसाब से अपना पालन करते हैं। इस छठ का बहुत मान्यताएँ हैं, इसमें बहुत जो मान्यता करते हैं वो मिलता है। पंपू तालाब पंपू तालाब का है छठ, यहीं छठ किए जाते हैं जो कि यहाँ आकर के अपना अपना जगह बना करके साफ करके चले जाते हैं, जो कि आज आप लोग को दिखाए थे 10 के आसपास सवेरे जो उस समय खाली था और साफ सुथरा था और लाइट भी लगा रहा था। तो जो छठ करते हैं वो यहाँ पे अपना अपना जगह साफ करके चले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे भीड़ लगा हुआ है जो छठ के लिए आए हुए हैं, आप देख ही रहे हैं कि जो छठ करते हैं वो तो रहते ही हैं, साथ में अपना रिश्तेदार भी आए हुए हैं और कुछ दर्शक भी यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ का छठ का महत्व है जिसके चलते आसपास भी पोखर भी है फिर भी यहाँ ज़्यादा भीड़ जमावड़ा दिखाई देता है। तो ये पहला अर्घ दिया जा रहा है सूर्य भगवान का, जो कि पानी के अंदर जा कर के
कमर तक अपना डुबोए रखते हैं और साथ में सूर्य भगवान को जो अपना अपना जो भक्त जो अपना मन्नते रखें उस मन्नते को रखते हुए भगवान के सामने पानी दूध और जो भी है उसमें मिला करके अर्घ देते हैं। आप देखे रहे हैं, देख ही रहे हैं यहाँ पे जो पानी के अंदर घुसे हुए हैं भक्तगण और एक दूसरे को सहायता भी करते हैं, जिनके पास कुछ छूट गया है वो भी सहायता करते हैं। बहुत सुंदर नज़ारा है जो कि छठ और अंतिम जो अर्घ दिया जाता है वो जो 20 नवंबर जो सोमवार पड़े हैं, बहुत अच्छा दिन पड़े हैं। मैंने सूर्य जैसे उगेगा पहले जो अंतिम जो अर्घ वो सूर्य उगते ही पानी जो अर्घ देते हैं, पानी दूध मिला करके वो दे करके छठ का। ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।